हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला, जो सबको ही पसंद होता है, हल्का फुल्का। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें एक कप के करीब बेसन लेंगे। बेसन को हमने छान लिया है। इसमें हम 2 टीस्पून के करीब सूजी डालेंगे। सूजी जो है वो बारीक होनी चाहिए। और हमने 1/2 टीस्पून के करीब हम नमक डालेंगे। एक हरी मिर्ची ली है हमने, उसको हमने बारीक काट लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। 1/2 कप हमने दही लिया है। जिस कप से हमने बेसन को नापा था उसी का हमने 1/2 कप लिया है। और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी डाल दी है और 1/2 नींबू का रस हमने इसमें डाल दिया है। और देखिए, 1 कप के करीब हमने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्सर की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। हमको एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको घुमाते रहेंगे। क्लॉकवाइज को हमको घुमाना है। अब हमने 2 टीस्पून के करीब शक्कर डाली है इसमें, जो उसका टेस्ट होता है ढोकले का, थोड़ा मीठा भी होता है, इसलिए हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे 2 टीस्पून। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि शक्कर जो है अच्छी तरह से में घुल जाए। देखिए, हम क्लॉकवाइज इसको मिक्सर को चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको घुमा रहे हैं। ये देखिए, अब हमने थोड़ा सा पानी और डाला है। हमको ज्यादा इसको थिन नहीं करना है, यानी हमने जो 1 कप पानी लिया है वो 1/2 कप बच जाता है। अब हम 2 टीस्पून के करीब इसमें ऑयल मिला रहे हैं। ये देखिए कि हमारा बेटा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसको 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। अब ये देखिए, 15 मिनट के बाद हमने इसको निकाल लिया है और हम इसमें 1 पैकेट इनो का डालेंगे। ये देखिए, और इसमें 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर पानी डालेंगे। और अच्छे से हम इसको इनो को मिक्स कर देंगे। 30 सेकंड तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्सर को चलाएंगे कि देखिए बैटर जो है घुल गया है। हमने पहले से ही ग्रीस कर लिया है इसका ढोकले के बर्तन को, और अब हम उसमें डाल देंगे इसको। थोड़ा हम इसको थपथपा देंगे। स्टीमर में पानी डाल दिया था हमने, जो वो भी रेडी है। ये देखिए, पानी खदक गया। हम उसमें अब स्टैंड को डाल देंगे और ढोकले के बर्तन को इसमें रख देंगे। कम से कम जो पानी लिया है 2 गिलास के करीब लिया है हमने। और ये देखिए, हमने इसको रख दिया है और ऊपर से हम ढक देंगे इसको। अब इस ढक्कन के ऊपर हम कोई वजन रख देंगे ताकि जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकल पाए और अच्छी तरह से ढोकला होते रहे। 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है, जब तक हम चटनी बना लेंगे। हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्ची और थोड़े से हम पीनट लिए, जो 1/2 कप के करीब है।
हाफ कप ही हम इसमें पानी डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम चेक करेंगे, 15 से 20 25 मिनट हो गए हैं हमको इस ढोकले को, कि देखिए इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब हम चेक कर रहे हैं। देखिए ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और हम इसको चाकू की सहायता से इसके जो किनारे हैं उसको बर्तन से अलग करेंगे। एक बात याद रखिए कि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए हमको जब इसको निकालना है, 5 से 10 मिनट में ये ठंडा हो जाता है फिर करें, वरना फिर निकालते टाइम ये जो है टूट जाता है। अब हम एक परेट की मदद से इसको देखिए उल्टा कर लेंगे और ये थोड़ा सा ऊपर से थपथपा पाएंगे। ये निकल ही आया स्पंजी, देखिए स्पंजी दिख रहा है बिल्कुल। पहले हम इसके पीस काट लेते हैं फिर उसके बाद इसका तड़का बनाएंगे। आपको छोटे बड़े जैसे भी पीस काटना हो वैसे काट लें। और ये देखिए इसमें स्पंजी है ढोकला। एक फ्राई पैन में हम 2 टीस्पून के करीब ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम उसको इसके अंदर राई डाल देंगे 1 टीस्पून। ये थोड़ी सी कड़ी पत्ती है, हरी मिर्ची काट के हम डाल देंगे। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। वन एंड हाफ कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, हाफ टी स्पून शक्कर और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह से हम इनको पकाएंगे। हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब ये रेडी है, अब हम इसको ढोकले के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फैला देंगे पूरे ढोकले पे, ताकि जो ढोकला है इसकी पानी है इसको अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा ढोकले के, और इसी से ही जो ढोकला है वो स्पंजी बनता है। ये देखिए हमने सारे पे इसको फैला दिया पूरे तड़के को। और हमने फिर कोकोनट से इसको गार्निश कर दिया है। अगर आपको कोकोनट पसंद हो तो आप गार्निश करें, अदरवाइज रहने दें। ये देखिए बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था, चटनी के साथ बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।